हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो फ्रेंड्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें मैंने गलती की है और कस्टमर का फ़ोन भी आया था। जो गलती है फ्रेंड्स, वो आपको दिखाऊंगी मैं कि इसमें मैंने क्या गलती किया है और कस्टमर को क्या अच्छा नहीं लगा इस केक में, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखिए, केक है हाफ के जी का, हार्ट शेप में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रॉबेरी के यहाँ पे यूज़ किया है इमर्शन, और अच्छे से यहाँ पे बना लिया है इसका स्पॉन्ज। और स्पॉन्ज को मैंने यहाँ पे 3 लेयर में कट कर दिया है। और अब हम लेंगे केक बोर्ड, और केक बोर्ड को डाउन की तरफ इस तरह से केक को रखना है स्पॉन्ज को, ताकि जब हम राउंड शेप से हार्ड शेप में स्पॉन्ज को रखे केक बनाए, तो वो अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पे देखिए, क्रश जो होता है हमारा स्ट्रॉबेरी क्रश, उसका यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, और उसे यूज़ करके यहाँ पे केक का स्पॉन्ज को सोक कर लिया है। उसका यूज़ शुगर सिरप में किया है। और यहाँ पे जब केक को अच्छे से सोक कर लेंगे, तो यहाँ पे क्रीम लगा देंगे चारों तरफ से अच्छे से। क्रीम लगाने के बाद हम ढेर सारा स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे, और उसे भी हम साइड में बीच में अच्छे से मिक्स कर देंगे, मतलब कि स्प्रेड कर देंगे। और यहाँ पे टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वाइट कंपाउंड को भी यूज़ किया है। और कस्टमर को ये टेस्ट तो बहुत ही अच्छा लगा था केक में, लेकिन उन्हें कुछ और प्रॉब्लम थी केक से। तो वो क्या थी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट टाइम मेरे पास कस्टमर का कंप्लेन आया था फ्रेंड्स, इससे पहले किसी भी केक में कोई कंप्लेन नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए, सभी लेयर को लगाने के बाद क्रीम को अच्छे से लगा के क्रम कोट कर देंगे, और ऊपर से भी अच्छे से क्रम्स को लॉक करके यहाँ पे हम हार्ट शेप में इसको कट करेंगे। तो हार्ट शेप करने के लिए ये जो हमारा डाउन है, वहाँ से हम लगाएंगे कट का निशान पैलेट नाइफ से। तो यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे, देखिए इस तरह से कुछ पैलेट नाइफ से लगा देना है। और यहाँ पे साइड में भी स्लैंटिंग लाइन हम कर देंगे स्लिपिंग लाइन से मिला के। और ये देखिए, इसी पैलेट नाइफ से मैं साइड के केक्स को इस तरह से कट, यहाँ पे देखिए, ये पहले मैं इस साइड का केक को कट कर लेती हूँ इस तरह से। इसे हम रखेंगे साइड में, और दूसरे साइड का भी केक्स को इस तरह से कट कर लेंगे, और इसे भी रख देंगे साइड में। उसके बाद फ्रेंड्स, टॉप पे भी हम इस तरह से थोड़ा सा केक को कट कर लेंगे, ताकि जो हमारा हार्ट शेप है वो अच्छे से दिखे। और हमने जो साइड साइड के केक्स को कट किए थे, वो यहाँ हम इस तरह से अरेंज कर देंगे दोनों साइड से। तो यहाँ पे जो है हार्ट शेप का लुक काफ़ी अच्छा दिखेगा। और अब हम जितने भी यहाँ पे काटना जोड़ना हुआ था, सभी को कवर कर देंगे क्रीम से, अच्छे से यहाँ पे क्रीम लगाएंगे, ताकि जो हमारा कट और पेस्ट का जो सिलसिला है वो दिखे ना, किसी को पता ही नहीं चलेगा फ्रेंड्स कि हमने ये राउंड शेप से हार्ट शेप बनाया है। तो काफ़ी अच्छा है। वैसे तो बहुत लोग को पता है राउंड शेप से हार्ट शेप केक कैसे बनाते हैं, जिन्हें नहीं पता है वो ये देख ले। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे कस्टमर का डिमांड था कि उन्हें फुल्ली रेड कलर का केक चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए, क्रीम में रेड कलर ऐड किया है, जो कि काफ़ी रेड नहीं दिख रहा था मुझे, पिंक में दिख रहा था। तो उनका जो कहना था, डिमांड था कि रेड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फूड जेल कलर का यूज़ करके यहाँ ऊपर से मैंने कलर लगाया रेड करने के लिए, फुल रेड करने के लिए, जो कि ये हमारा जो आइडिया है, जो काम भी आया। ये रेड कलर तो हो गया फ्रेंड्स पूरा अच्छे से। देखिए इस तरह से यूज़ करके मैंने कलर को नीचे और टॉप पे अच्छे से रेड यहाँ पे कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, स्क्रैपर के हेल्प से कलर को लेके मैंने पूरे केक को कवर किया है रेड कलर से। तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था फ्रेंड्स, आपको देख के लग भी सकता है कि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी थी। तो यहाँ पे मैं केक के जो साइड्स को उन्हें मैं कॉम कर रही हूँ, ताकि अच्छे से एक इफ़ेक्ट आ जाए। तो दोनों साइड से यहाँ पे अच्छे से केक को कॉम कर दिया है, जिससे लुक काफ़ी अच्छा आ रहा था। और कस्टमर का जो कंप्लेन था फ्रेंड्स, वो ये था कि यहाँ पे जो मैंने रेड कलर का यूज़ किया था, वो उनके हैंड और माउथ में लग रहा था केक को खाने और छूने के दौरान।
तो फ्रेंड्स मैंने उन्हें पहले बताया था कि केक में कलर इतना डार्क नहीं होता है, अगर हम करेंगे तो वो हमारे हाथ में लगेगा ही लगेगा। बट उन्हें उनका डिमांड था कि उन्हें फुली रेड चाहिए। फिर बाद में उन्होंने कंप्लेन भी किया कि कलर लग रहा था। खैर जाने दीजिए, कंप्लेन तो अच्छे चीज़ के लिए होती है। हम अगर कुछ बना रहे हैं तो हमें अगर कोई उनमें कमी दिखाता है तो वो फिर हमारे लिए आगे चल के वो अच्छा ही रहता है। अब भी जब भी डार्क कलर करना होगा तो फ्रेंड्स उसे मैं अवॉइड करूँगी, क्योंकि फूड कलर नुकसान तो नहीं करता है फ्रेंड्स, फिर भी बहुत लोग को पसंद नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए मैंने रोज़ेट बना के कुछ चॉकलेट्स यहाँ पे लगा दिए हैं और हार्ट शेप के गोल्डन कलर का यहाँ पे स्प्रिंकल्स लगाए हैं और यहाँ पे बर्थडे का टैग भी लगाया है। साथ में नीचे यहाँ पे वाइट कलर से पर्ल्स बना दिए हैं और इसमें मैं सिल्वर डस्ट यूज़ कर रही हूँ, जिससे फ्रेंड्स बहुत ही शाइन आ गया था केक में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये सिल्वर डस्ट टोटली एडिबल है, कुछ नुकसान नहीं होता फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये रहा हमारा केक का लुक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।